नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। ये वीडियो हमारी बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड है और इसमें हम बीएससी फर्स्ट सेम के केमिस्ट्री के सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। मैं किसी कारणवश आपके लिए लगातार वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब आपको लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड केमिस्ट्री के लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपकी कंसंट्रेशन कभी लैक हो जाए तो मैं भी अपने आपको लगातार मोटिवेट करता रहता हूँ और आप भी लगातार मोटिवेट करते रहिएगा। बस इतना सा हुनर सीखना है कि जमीन पर रह के आसमान जीतना है। अब आप बीएससी फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री का सेम ही सिलेबस पढ़ेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी जाते हो, सभी यूनिवर्सिटी का सेम सा ही सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलेबस। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो सिलेबस में हमें मिला हुआ है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेम में जो हमें पढ़नी है, हमें दो बुक पढ़नी है। जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और जो हमारी सेकंड बुक है इसमें वो सेकंड बुक है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये दो बुक हमें इसमें पढ़नी है। पहली जो बुक है हमारी वो हमारी थ्योरी के प्रैक्टिकल के लिए है, थ्योरी के लिए है, और जो दूसरी बुक है वो हमारी प्रैक्टिकल के लिए है। ये जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है ये हमारी थ्योरी की बुक है, और जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हमारी प्रैक्टिकल की है। अब मैं आपसे एक चीज बिल्कुल एकदम यहाँ साफ साफ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें जो 100 नंबर का जो एग्जाम हमारा दिखाया हुआ है, इसे जितने भी इसके मार्क्स होंगे, इसके सभी मार्क्स हमारा कॉलेज देगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लोग हमारा कॉलेज देते हैं, कॉलेज वाले देते हैं इन मार्क्स को। आपने कभी 12th का जब एग्जाम दिया होगा तब भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की, तो जो हमारी फर्स्ट सेम की बुक है ये लगभग हमारी 100 मार्क्स की एक बुक है। इन 100 मार्क्स में से जो 75 मार्क्स है इनका तो हमारा पेपर होगा, यूनिवर्सिटी इसमें एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और जो इसमें हमारे 25 मार्क्स हैं, ठीक है, 75 + 25 = 100 का ही पेपर है। ये जो हमारे 25 मार्क्स हैं इन्हें भी हमारा कॉलेज ही देगा। ठीक है, इनके लिए कॉलेज इंटरनल एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इंटरनल एग्जाम कराएगा और इंटरनल एग्जाम से ही हमें ये 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये कॉलेज वालों की इच्छा रहेगी आप कितना लिख पाते हैं कितना नहीं, वे आपकी क्षमता अनुसार आपको मार्क्स दे देंगे 25 में से जितने भी आपके होंगे। ठीक है, तो हमें जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें केवल 75 मार्क्स का ही एग्जाम मिलेगा। ठीक है, पेपर मिलेगा और पेपर में हमें इसमें से ही स्कोर करना है। चलिए एक बार इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी यूनिट हमारे पास में है। और हाँ, यहाँ एक चीज और ये देखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किसका? सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री का। पहले क्या होता था, पहले कुछ इस तरीके की कंडीशन थी कि आप अगर एक साल करके बीएससी छोड़ देंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, मगर अब यूनिवर्सिटी का रूल चेंज हुआ है। अगर आप एक साल की बीएससी करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसका? बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री का। और अगर किसी कारणवश आपने 2 ईयर करके छोड़ना पड़ गया तो फिर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक एंड एनालिसिस टेक्निक्स। फिर अगर आपने 3 साल कंप्लीट करे, बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी जैसे कि पहले मिलती थी। ठीक है, डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस, फिर आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 3 के 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं। बात करेंगे इसकी यूनिट्स की, कौन कौन सी यूनिट्स इसमें हमें मिली हुई है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ यूनिट मिली हुई है, पहले नंबर पे हमें इसमें मिला हुआ है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मोलिकुलर पोलैरिटी में, और हमें जितना भी इसमें पढ़ना है मोलिकुलर पोलैरिटी पढ़नी है इसमें। ठीक है, और दूसरा जो हमें इसमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इसमें वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, जितने भी केमिकल फोर्सेस होते हैं उनमें जो वीक होते हैं जैसे कि वैन डर वाल्स है, इस टाइप के। फिर बात करेंगे दूसरी यूनिट की, तो जो दूसरी यूनिट है इसमें हमें मिला हुआ है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपने पढ़ी होंगी, वीवीटी एमओटी नहीं पढ़ी 12th क्लास में तो बीएससी में आप पढ़ोगे, वीवीटी है, एमओटी है, ठीक है, वेस्पर थ्योरी है, ये सब के सब आपके कहाँ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद में हमारे पास में इसकी थर्ड यूनिट है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, जो एटम्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो हमारी इसमें यूनिट नंबर 3 है। फोर्थ यूनिट इसमें हमें मिली हुई है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमें इसमें फिफ्थ यूनिट हमारी मिली हुई है वो हमें मिली हुई है इसमें मैकेनिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। 6th की बात करेंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री मिली हुई है। 7th की बात करेंगे तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम
इन ब्रीफ, ये हमें इसमें मिला हुआ है सेवेंथ नंबर पे। और जो एथ नंबर पे हमें मिला हुआ है इसमें, वो हमें मिला हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब याद रखिएगा स्टीरियो केमिस्ट्री में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, स्टीरियो केमिस्ट्री में दो ही आ जाएंगे, एक ऑप्टिकल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। बात करेंगे किसकी, रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें हम होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस फ्यूजन, इस टाइप के जो जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं वो सारे के सारे हम इसी यूनिट में कवर कर लेंगे। बात करेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स की, जो फर्स्ट टर्म में प्रैक्टिकल है इसमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल मिलेंगे। इसमें मिलेगा वाटर क्वालिटी एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन और एस्टिमेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली कंटेंट्स, ठीक है कंटेंट्स। और फोर्थ नंबर पे जो है एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड हाइड्रेटेड वाटर, ये आपको प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं यहाँ आपके। और ये जो आपकी ये 8 यूनिट्स हैं ये आपको मिलने वाली हैं आपके जो थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें, और आपका इंटरनल एग्जाम भी इन्हीं थ्योरी में से भी कंडक्ट कराएंगे। और जो मेन एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी आपको कराएगी 75 मार्क्स का, वो भी इन्हीं यूनिट्स में से होगा। इस यूनिट्स की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी, रोज आपको दो वीडियोस में मिलती चले जाए। चलिए एक बार इसके थोड़ा सा और अंदर झांक लेते हैं। बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक फोर्सेस की, इसमें हमें क्या पढ़ना है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वंडरवाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल मूवमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डाई एटोमिक एंड पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज आयन कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शंस। बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस वाली यूनिट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो फजान का रूल इसमें आ जाता है। ठीक है, हर साल के एग्जाम में हमें ये देखने को मिलता है। बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में हमें क्या मिला हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं, एसपीडीएफ आपने 12th क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, अप बाउ का प्रिंसिपल मिला हुआ है, मल्टीपल बॉन्डिंग मिली हुई है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, एंड बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करा हुआ है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मोलिकुलर ज्योमेट्री, बैंड का रूल है इसी यूनिट में, यूनिट अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अर्थात वेस्पर थ्योरी, शेप्स ऑफ फॉलोइंग सैंपल मॉलिक्यूल्स, आयंस कंटेनिंग लोन पेयर एंड बोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ज्योमेट्री समझानी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार इन वालों की ज्योमेट्री भी हमें समझानी है, Cl(F3)I3-H3O+। फिर इसके बाद में एमओटी पूछा हुआ है हमसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इन वाले आयंस को समझाना है जो आयंस यहाँ हमें मिले हुए हैं। बात करेंगे थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट जो है वो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की है, तो इसमें ब्रीफ डिस्कशन शुरू में लिखा हुआ है, ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा आपको। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। ठीक है, इसकी दो ही प्रॉपर्टीज होती है जो मेन होती है, एक तो होता है वेरिएशन इन ए ग्रुप, दूसरा होता है वेरिएशन इन ए पीरियड, तो एक है ग्रुप में और एक है किसमें, पीरियड में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करनी है, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, और शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करनी है, सिलेटर रूल्स भी इसी में पढ़ना है हमें, ये सब इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलिंग्स, ऑलरेड रेरो स्केल्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा याद रखिएगा एटॉमिक आयोनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, तो इसमें है हमारे पास में रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स है, बॉन्ड एनर्जी है, लोकलाइज़ एंड डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है, वंडरवाल्स इंटरेक्शंस है, और इंक्लूजन कंपाउंड्स है, और क्लेथ रेट्स है,
क्लेथ रेट्स हैं और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, हाइपर कंजुगेशन है, डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। फिफ्थ यूनिट की बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हमें मिला हुआ है, कर्व्ड एरो नोटेशन और ड्राइविंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विद एरोज, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोज। इसमें आपको पढ़ने हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप से बनते हैं, और इसी यूनिट में हमारे पास आए हुए हैं होमोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये इम्पोर्टेंट है इस यूनिट से। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये भी चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। एनर्जी कंसिडरेशंस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइंस, कार्बिन्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, एनाइंस एंड नाइट्रेंस, ये सब के सब यूनिट्स जितनी भी आपसे पूछी हुई है ये, इसमें से कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरी की पूरी यूनिट ऐसा समझेगा कि इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे सिक्स्थ यूनिट की तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर ही बार बार क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। वैसे इस थ्योरी से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं, डीएल और आरएस सिस्टम, नोमेनक्लेचर क्या है, कभी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स, इन टाइप वालों को भी पूछ लिया जाता है। बात करेंगे इसके सेवंथ यूनिट की, तो जो सेवंथ यूनिट है वो है हमारी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और ये हमें ब्रीफ में पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें शुरू में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बताना है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि आपके पास में कीबोर्ड होता है, ठीक है, माउस है, ये सब के सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। नंबर सिस्टम पढ़ना है इसमें हमें, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के कोर्स पढ़ने हैं, बीसीडी क्या है, ASCII क्या है, न्यूमेरिकल स्ट्रीमिंग और कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डोज विंडो और लाइनेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्यू बेसिक, फोर्ट्रेन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ऑफिस, और इसी टाइप से आपके सारे सारे इसमें पढ़ने हैं जितने भी कंप्यूटर के बारे में पूछ रखे हैं। फिर इसके बाद में एट यूनिट की बात करेंगे तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो आपके जितने भी इसमें सिलेबस लिखा हुआ है, जो भी सिलेबस मैंने अभी आपको इसमें दिखाया है, पढ़ के समझाया भी है, इनमें से हम कोई सी एक यूनिट शुरू करेंगे और जो सी यूनिट शुरू करेंगे उसके लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।